मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नीतीश कंपनी पर CCB की रेड। मुंबई मूल के व्यक्ति के बेंगलुरु के ट्रिनिटी सर्कल में स्थित नीतीश रियल एस्टेट कंपनी पर CCB DCP के नेतृत्व में करीब 20 अधिकारियों ने धावा बोलकर अहम दस्तावेज जब्त कर लिए। जनता को साइट घर देने की बात कहकर हजारों लोगों का करोड़ों रुपया उसूल के ग्राहकों के साथ धोखा घड़ी करने के आरोप के चलते ग्राहकों ने इस कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की थी। न्यूज करने आए कैमरामैन और रिपोर्टरों को भी कंपनी के कर्मचारियों ने धमकियां दी हैं। BJP में कोई भी मर्द नहीं है। CM इब्राहिम बीदर में ईश्वर खंडरे के प्रचार सभा में बात करते हुए कांग्रेस के CM इब्राहिम ने PM मोदी और BJP को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि येडियुरप्पा करोड़ों रुपये खर्च करके कांग्रेस विधायकों को खरीदने चले थे। BJP में कोई मर्द नहीं है। उमेश यादव को ले जाकर गुलबर्गा के चुनाव में उतारे हैं। एक बच्चा पैदा करने की ताकत मोदी में नहीं है। जिसे कांग्रेस ने पैदा किया उसे अपना बच्चा कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। सैकड़ों यादव को पैदा करने की ताकत कांग्रेस में है, कहा CM इब्राहिम ने। RSS वाले कहते हैं कि जो पाकिस्तान से हाथ मिलाएगा उसका हाथ काट देंगे। बिना बुलाए मोदी पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के गले मिले तो क्या गला काटेंगे मोदी का, कहा CM इब्राहिम ने। धारवाड़ और दावणगेरे में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। दावणगेरे मतक क्षेत्र से श्यामनूर शिवशंकरप्पा को कांग्रेस टिकट दिया गया था, उनके इनकार पर अब HB मंजू को टिकट दिया गया है। एक हफ्ते से टिकट के लिए धारवाड़ में शाकिर सनदी और विनय कुलकर्णी के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था। अब कांग्रेस की हाईकमान ने विनय कुलकर्णी को टिकट दिया है। बेंगलुरु में अमित शाह का रोड शो। कल बेंगलुरु बनशंकरी इलाके से अमित शाह ने रोड शो करते हुए बेंगलुरु दक्षिण क्षेत्र के तेजस्वी सूर्य और बेंगलुरु ग्रामांतर उम्मीदवार अश्वथ नारायण के लिए वोट मांगे। एक घंटे तक चले इस रोड शो में येडियुरप्पा और अशोक सदानंद गौड़ा सहित कई BJP वरिष्ठ शामिल रहे। सेप्टिक टैंक में उतरकर 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत। बीजापुर जिला इंडी तालुका में यह हादसा पेश आया है। इंडी शहर के अमर इंटरनेशनल होटल की सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उतरे 50 साला गुरु साहब बागवान, 33 साला मुदकप्पा, 25 साला नबीलाल की सांस रुक जाने से मौत हो गई है। मामला इंडी पुलिस थाने में दर्ज। मंगलुरु में मैं भी चौकीदार अभियान। PM मोदी के समर्थन में नगर BJP कार्यकर्ताओं ने सर पर पेटा बांधकर मैं भी चौकीदार के नारे लगाते हुए बृहद रैली का आयोजन करके नलिन कुमार कटिल के लिए वोट मांगे। कुदरौली से शुरू हुई रैली कार स्ट्रीट से होती हुई सेंट्रल मार्केट पहुंची। इस मौके पर विधायक वेद व्यास ने नलिन कुमार की जीत का विश्वास दिलाते हुए बताया कि देश भर में 300 से अधिक BJP की सीटें आएंगी, फिर से मोदी PM बनेंगे, कहा। दलितों पर हमला, 3 व्यक्ति घायल। गटार साफ करते वक्त थोड़ा सा कीचड़ उछलने पर ऊंची जात वालों ने दलितों पर हमला कर दिया। छुआछूत को मिटाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई कड़े कानून बनाए हैं, मगर फिर भी ऊंच नीच की परंपरा समाज में आज भी चल रही है। ये घटना बेंगलुरु के होसकोटे तालुके के हुंचेहल्ली में घटी है। 75 साला मुनियप्पा, 37 साला रामकृष्णा और 26 साला मंजुला घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। तिरुमला शेट्टीहल्ली में मामला दर्ज हुआ है। गुलबर्गा में उमेश यादव ने भरा नाम पत्र। कांग्रेस को अलविदा कहकर BJP से हाथ मिलाने वाले चिंचोली के पूर्व कांग्रेस विधायक उमेश यादव ने आज गुलबर्गा में राज्य अध्यक्ष येडियुरप्पा की उपस्थिति में अपना नाम पत्र भरा। इस मौके पर BJP नायक कार्यकर्ता अभिमानी बड़ी संख्या में भागी रहे।
कोलार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच घमासान। कोलार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार मुनियप्पा के समर्थकों पर श्रीनिवासपुर के विधायक रमेश कुमार के समर्थकों ने हमला कर दिया। मामला श्रीनिवासपुर तालुका के गौणीपल्ली ग्राम में घटी है। मुनियप्पा के समर्थकों ने विधायक के समर्थकों को विश्वास में न लेकर अलग सभा कर रहे थे, जिससे नाराज होकर रमेश कुमार के समर्थकों ने गाली गलौज करके गोपाल कृष्णा पर हमला कर दिया। मामला गौणीपल्ली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।